बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपके दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जो मेरे वीडियो पे नए आने वाले हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। तो जैसा कि आप सबको पता है, ईद है, तो ईद का सेकेंड डे मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। तो क्योंकि मैं हमेशा सेकेंड डे ही अम्मी की तरफ जाती हूँ, और कभी तो मैं वहाँ पर एक हफ्ता रह लेती हूँ, और कभी मैं सेम डे ही आ जाती हूँ अम्मी से। तो आज भी मेरा यही प्लान है कि सेम डे वापस आ जाऊँगी शाम को, क्योंकि बच्चों को भी जो है ना, वो ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं है, उन्होंने भी आके अपने स्टडीज को कंटिन्यू करना है। तो जब छुट्टियाँ समर वेकेशन होगा तो फिर हम वहाँ जाएंगे। तो आप सब सुनाएं, आप सब की ईद कैसी गुजरी? आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। क्योंकि मैं ईद के फर्स्ट डे जो है ना, वो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था। ये पहली ईद है जो अम्मी की डेथ के बाद, जो अम्मी के बगैर हम मना रहे हैं। तो जबकि अम्मी तो अपने घर होती थी, मैं अपने घर होती थी, लेकिन इतना तो होता था ना कि अम्मी हयात है। तो जबकि अम्मी बीमार थे, तो लेकिन जब अम्मी की तरफ जाती थी तो ये तो एहसास होता था, तो अम्मी ज़िंदा है, अम्मी है। मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि मैं कैसे बयान करूं, इसके लिए माज़रत। तो आप सबको पता है कि माँ के लिए क्या फीलिंग्स होती है। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे बिल्कुल ही घर जो है, अम्मी का जो रूम है, वो खाली खाली नज़र आ रहा था। अब उस कमरे में मेरे अबू रहते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे और हमेशा हमारे सर पे सलामत रहे। लेकिन माँ की जो कमी है, वो तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। और ज़ाहरी बात है, जब मैं यहाँ होती थी, अपने घर, तो भी मुझे फ़ोन कर करके मुझे बुलाते थे कि आओ आओ, ईद पे आना है या नहीं आना, आपने ईद ज़रूर यहाँ आके करना, मेरे पास आना। तो अब भी हैं, बाकी भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे, भाई बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो माँ का नेमल बदल नहीं है, जो कि सारी ज़िंदगी रहेगा, इसका कोई भी जो है ना, इसका जो खिला कोई फूल नहीं कर सकता। खैर, अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने वापस ले ली, अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे और जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चले, माहौल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ईद का दिन है, तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा चेंज आ जाए। और यहाँ पे मेरी दो भतीजियाँ हैं, बड़ी प्यारी प्यारी से, वो मेकअप कर रही हैं, उनको बड़ा शौक हो रहा है, क्योंकि ये जा रही हैं मामों के घर, तो ये खड़ी हुई हैं, तो मैं इनके चुपके चुपके बना रही हूँ, क्योंकि ये मुझे कह रही थी आप हमारी ना बनाओ वीडियो। तो मैंने कहा आप इतनी माशाल्लाह से प्यारी लग रही, इतने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, तो मैं क्यों ना आप लोगों की बनाऊँ। तो हाँ जी, मैं इसको कह रही थी मुझे अपना ड्रेस दिखाओ, ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। तो मुझे अपने दिन याद आ गए, जब हम छोटे होते थे तो हम भी इसी तरह ईद मनाया करते थे,
और मैं भी इसी तरह अपने मेकअप मेकअप ख़त्म कर देती होती थी, क्योंकि किट थी एक जो, तो मैंने मेकअप कैसे सारी उनकी किट को मैंने ख़त्म कर दिया था। मैं भी बहुत शौक से किया करती थी। और यहाँ पे मुझे स्टोरी याद आ गई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मैं छोटी होती थी तो ईद का दिन था, तो मेरी अम्मी ने बड़े शौक से ना मेरे लिए तो जो है ना वो लहंगा बनवाया था, और मैंने पहना ईद वाले दिन, और साथ मैंने दो चुटिया भी की। तो अब्बू मेरे यहाँ पाकिस्तान नहीं होते थे, वो अब्रॉड में होते थे, बाहर होते थे, तो मेरे चाचू थे, तो वो जैसे ही घर आए तो उन्होंने मुझे देखा ये उस ड्रेस में, क्योंकि उनको लहंगे और घाघरे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो अम्मी को कहने लगे कि बाजी आप ऐसा किया करें, जब भी आप लोगों ने सफाई करनी हो ना तो इसको कहा करें घाघरा पहन लिया करें, तो ये पूरे घर की जो है ना वो सफाई किया करें। और मुझे अच्छे से याद है, मुझे ने एक थप्पड़ भी पड़ा था उनसे। उन्होंने कहा था कि आपने ये दो चुटिया क्यों बनाई है, बस एक को नहीं बनाओ, क्योंकि उनको पसंद नहीं था। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और जन्नत में अला मुकाम दे, आमीन सुमीन। वो इस दुनिया में नहीं है। तो फिर उस दिन के बाद मैंने घाघरा भी नहीं पहना, और मैंने दो चुटिया भी नहीं बनाई थी चाचू के डर से कि मुझे दोबारा डांट पड़ेगी। लेकिन आजकल के बच्चे हैं, उनको जो मर्ज़ी रह लो, उन्होंने जो करना है वो करना है, उन्होंने करते ही रहना है, जो उनको चीज़ पसंद है वो उन्होंने ज़रूर करनी है। और यहाँ पे ये मेरी भली भतीजियाँ बैठी हुई है, माशाल्लाह से इनकी ड्रेसिंग बहुत बहुत प्यारी है। और आप सब सुनाएं आप लोगों की कैसी ईद गुजरी, और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जब छोटे थे तो कैसे ईद मनाते थे, क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ था जैसा मेरे साथ हुआ था छोटे होते हुए। तो ये मैं ये ड्रेस देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं शूट करती हूँ। तो ये और यहाँ पे ये बच्चे बैठे हुए और गपशप कर रहे थे। हाँ जी, और साथ साथ जो है वो अपनी पिक्स भी बना रहे थे, लेकिन वो क्या करें फिर उनका, उन्होंने घर में तो रहना होता। हमारा दौर था, हम लोग घर से बाहर चले जाते थे, अपने फ्रेंड्स के घर चले जाते थे, वहाँ सारा दिन जो है ना वो टाइम स्पेंड करते थे। एक दिन हम लोग चले जाते थे, दूसरे दिन वो लोग आ जाते थे, तो इस तरह से दिन जो ईद के दिन थे वो अच्छे गुजर जाते थे। तो यहाँ पे ये है कि इसका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसे कहा कि आप खड़े हो मुझे भी दिखाओ चेक करवाओ। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था इसको देख कर, ऐसे मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी ऐसा बनवाऊँ। तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और हाँ जाहिर बात है बच्चों को देख के तो फिर मुझे भी अपने जो है ना वो ये टीन एजेस जो दिन है वो याद आ गए। तो हम भी खूब इंजॉय किया करते थे, लेकिन अब वो इसका मज़ा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। पहले ये होता था कार्ड होते थे, वो हम लोग लिखते थे, फ्रेंड्स को देते थे, गिफ्ट देते थे, लेकिन अब वो मज़ा बिल्कुल भी नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। कि आप जो है ना वो रिश्तेदारों को मिलें या कहीं चले जाएँ, तो क्योंकि वो 2 दिन जो है वो उसी में लग जाते हैं, फुलवाने में लग जाते हैं। तो ये जो है वीडियो, इसको मैंने पहले जब मैंने एडिट किया तो मैंने बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे से एडिट नहीं हो पा रही थी। तो अब मैं तकरीबन वीडियो मैंने 6-7 घंटे का गैप लेके तो दोबारा मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो क्योंकि ये मुझे आज ही इसको अपलोड करना है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं जो है ना जैसे तैसे भी है इसको मैं जो है ना 22 ओवर करके मैं वीडियो एडिट कर लूँ, क्योंकि ये मेरी वीडियो लंबी हो गई है, ये एडिट ही नहीं हो पा रही और दिल भी नहीं कर रहा था। लेकिन अब करना तो है ही है, वरना ये ऐसे पली रह जाएगी यार, एंड ये होगा तो मैं फिर इसको डिलीट कर दूँगी, तो मैं ये नहीं चाह रही थी तो मैं इसको डिलीट करूँ। क्योंकि जब मैं अम्मी के बारे में बात कर रही थी ना, तो करते करते मेरा दिल भर आया, तो मैंने फिर वीडियो वहीं छोड़ दी। तो फिर ये तो मैंने कहा जब मैं नॉर्मल होंगी तो फिर मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी,
बाल में गैस आ गई, उनमें लगी रही, तो अब वो गए हैं, तो मैं दोबारा इसको एडिट करने बैठी हूँ। तो अब अल्लाह अल्लाह करके जो मैंने वीडियो एडिट की है, तो हाँ जी, तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दिल के लिए तो अपने फ्रेंड्स में भी जो है इसको शेयर कर दें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, आपका क्या जाता है, और एक लाइक करने से कुछ नहीं होता, और इसको शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स में। तो मिलूंगी मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और हाँ, मुझे याद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, तो मुझे आपके कमेंट्स का वेट